हाय गाइस, वापस आ गए हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वाटरप्रूफनेस टेस्ट सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का। तो इसे हम स्विमिंग पूल में डालने वाले हैं 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो ये 5 फीट पानी है, तो 5 फीट इसका डेप्थ है, तो इसमें बहुत सारा पानी का प्रेशर फोन के ऊपर आने वाला है। तो ये वाटर प्रेशर टेस्ट है। तो देखते हैं ये गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, जिसमें कि S10 भी है, तो हम दोनों को डालने वाले हैं पानी के अंदर डाल दिया, पर अभी प्रेशर में रखने वाले हैं 10 मिनट के लिए, और फिर चेक करेंगे कि ये सर्वाइव कर पाता है। तो चलिए पहले टेस्ट शुरू करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जिंदा रहता है नहीं है तो चलिए। Eleven minutes. ओके, तो अभी देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो वीडियो तो चल रहा था, तो इसमें कहीं भी मुझे पानी तो दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी कैमरा में कोई फॉगिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है।
तो अभी ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसको स्टीम रूम लेके जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं वो भी सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो पहले पेन निकालते हैं, फिर से डुबाते हैं इसमें पानी के अंदर, अच्छे से मैरिनेट होने दो, ठीक है। ऐसे पानी निकाल लो, बहुत सारा पानी था। सो अब देखते हैं कि एस पेन काम करता है कि नहीं। तो ये एक्चुअली एस पेन और इसका वाटर प्रूफनेस टेस्ट था। तो अगर आपका एस पेन पानी में गिर जाए काम करता है कि नहीं, तो ओके देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके थैंकफुली काम कर रहा है। तो चलिए इसको स्टीम रूम लेके जाते हैं और फिर बाकी टेस्ट करते हैं। ओके तो अभी हम स्टीम रूम टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी हम स्टीम रूम के अंदर इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो अभी 11:50 हुआ है, तो 12 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे थोड़ा यूज़ करके कि ये सर्वाइव किया कि नहीं, इसमें पानी गया कि नहीं, वो सब टेस्ट करें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ओके तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अब बात करते हैं कि कैसा चल रहा है। तो बेसिकली मैं 3 दिन पहले इसको टेस्ट किया था। तो 3 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, सारे सिनेरियोस देख चुका हूँ, फोटोज़ खींच रहा हूँ, मैं इसको अपने क्लास में यूज़ भी कर रहा हूँ, इसमें मैं नोट्स भी ले रहा हूँ। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सैमसंग बाई डिफ़ॉल्ट, सैमसंग और एप्पल बाई डिफ़ॉल्ट वाटर प्रूफनेस के लेवल में सबसे ऊपर है। तो ये IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, प्रूफ नहीं है। तो मैं वाटर प्रूफ बोलता रहता हूँ क्योंकि ये शुरुआत में जब आप नया लेते हैं वाटरप्रूफ रहता है, मतलब इसको आप कहीं भी डालो, चाहे आप समुंदर में भी डाल लो, इसको कुछ नहीं होता। बट बाद में अगर आप समुंदर में लेके गए तो समुंदर का पानी, खारा जो पानी है, वो जो सॉल्ट्स है, इस पे जमा हो जाता है इसके सारे वाटरप्रूफ मैश, वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन और सारे होल चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह में, और वहां जाके फिर उसको वो करोड करना चालू कर देता है, वो फिर उसको डिग्रेड करना चालू कर देता है और आपका वाटरप्रूफनेस चले जाता है। तो फिर बाद में अगर आपने अभी लिया, समुंदर में लिया हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, और फिर बाद में आप मतलब कुछ महीनों बाद फिर से समुंदर में लेके जाओगे, वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाले टेस्ट आपको नहीं करने चाहिए। ये वेदर प्रूफ बनाए गए हैं डिवाइसेस ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुआ, जैसे आप बारिश में फंस गए गलती से, या फिर आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हैं, या मतलब ऋषिकेश वगैरह गए हैं, वहाँ पे आप पानी वगैरह में जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए चलेगा। पर उस चीज़ के लिए इन्होंने इसको प्रूफ बना रखा है कि मतलब इसमें कुछ जाए ना, बट ये परमानेंट उधर ही बार बार यूज करते रहो उसके लिए नहीं बनाए गए। तो सील्स खराब होते हैं थोड़े टाइम बाद, 1-2 साल बाद खराब होने चालू हो जाएंगे, डिग्रेड होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए ये टेस्ट मत कीजिए। मैंने किया ये दिखाने के लिए कि ये क्या कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है। बट प्लीज़ आप इसकी कैपेबिलिटी इतना टेस्ट मत कीजिए। स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल तो फिर भी ठीक है, क्लोरीन का असर होता है इस पर, बट अगर आप इसको समुंदर में ले जाएं वो बहुत ही बुरा है। समुंदर से बहुत ही दूर रखें इसे। अगर आप समुंदर वगैरह में जा रहे हैं तो प्लीज़ वो बैग आते हैं वाटरप्रूफ वाले, वो डाल के ले जाइए, चाहे आपका फ़ोन वाटरप्रूफ ही क्यों ना हो। सो क्योंकि समुंदर का खारा पानी, वो जो उसमें जो सॉल्ट्स है, वो इसके वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन्स को ख़राब कर देता है, और उसके बाद फिर पानी चले जाएगा। दूसरा,
अगर आप स्टीम रूम में लेके जा रहे हैं, बहुत गर्म जगह में लेके जा रहे हैं, तो गर्मी से ही सील्ड फोन्स खुलते हैं, तो इस पे हीट मार के इसको खोला जाता है, तो वो हीट इसके सील्स को खराब करेगा और बैटरी को भी फुला सकता है, और फिर अब आपका फोन खराब हो जाएगा। तो ये मैंने टेस्टिंग के लिए दिखा रखा है कि ये जब आप नया ले रहे हैं तो इसमें कैपेबिलिटी क्या है, टाइम के साथ इसकी कैपेबिलिटी कम होती रहेगी। तो अभी आपको पता चल गया कितना कैपेबल फोन है, आप इस पे जो मर्जी करना चाहें करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।